Mere aaka ko dekhoge, chamak na bhule joge. Audo billahi min al shaytan بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم, मोहतरम नाजरीन नौशाद आलम जामाई एक मरतबा फिर सीरतुल्नबी का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है मैंने अपने पिछले दर्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजर नसब को बयान करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत मुत्तलिब के बाज अहवाल बयान किए थे आज फिर हज़रत अब्दुलमतलब के फ़जाइल मनाकब पर मुश्तम कुछ कलेम पेश कर रहा हूँ ताकि मुसलमान आलम पर वाज हो कि जंग हुनैन के मौका पर जब दुश्मनों ने घात लगा कर मुसलमानों की तो के ख़िलाफ़ चारों तरफ से तीरों की बोछार कर दी थी और साहब राम पसपा होने पर मजबूर हो रहे थे और थोड़ी देर के लिए अपने कदम मैदान कारजार से पीछे खींचने लगे थे तो उस नाजुक सूरत हाल में हजूर सल्ला वसलम ने यकिन एतमाद की बुलंद चोटी पर फाइज होकर अनबन मुत्तलिब मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ कि सदा बुलंद करके सहाब कराम के लिए सही निशान राह मत की थी और उनको साबित कदमी का मुजाहरा करने पर आमादा किया था वाकया ये है के जंगे हुनैन के मौका पर कुफार ने घात लगाकर चारों तरफ से मुसलमानों पर तीरों की बौछार कर दी उनका ये हमला क्योंकि अचानक था मुसलमानों की तवक्को के खिलाफ था मुसलमान उसके लिए किसी भी तरह तैयार नहीं थे इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम थोड़ी देर के लिए अपने हवास खो बैठे और वह पसपा होना शुरू हुए यानी उनके कदम पीछे हटने लगे मगर कुर्बान जाओ नबी करीम अलैहि वसल्लम की शुजात सरफरोशी पर नबी करीम अलैहि वसल्लम की शुजात सरफरोशी पर सरफरोशी पर कुर्बान जाओ कि आपने उस नाजुक मोड़ पर भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे बल्कि मुसलसल आगे बढ़ते रहे और बुलंद आवाज से फरमाने लगे अनन नबीयो लाक़दिब अनबन अब्दिल मुत्तलिब मैं नबी हूँ ये बात सच्ची है इसमें झूठ की कोई आमेज़िश नहीं है और सुनो मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं यानी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं मैं तो मुसलसल आगे ही बढ़ता रहूंगा अलबत्ता जो लोग पीछे हट रहे हैं उन्हें दावत फिक्र दूंगा कि वो गौर करें कि वो किनकी क्यादत में जंग लड़ रहे हैं क्या वो उस रात की क्यादत में जंग नहीं लड़ रहे हैं जो एक सच्चे नबी हैं एक सच्चे नबी के सच्चे अहबाब साबित कदमी के साथ अल्लाह का कलेमा बुलंद करने के लिए बगैर किसी बुजदली का मुजाहरा किए जंग लड़ें और अल्लाह उनकी मदद ना फरमाए इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा फिर ये भी तो देखें के ये जिस नबी की क्यादत में जंग लड़ रहे हो वो किसकी औलाद है क्या वो उसी अब्दुल मुत्तलिब का महबूब नजर हर दिल अजीज और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा पोता नहीं है जो अरब का एक शरीफ शरीफुलनस और शरीफ उतबा इंसान था जिसकी शराफतो नजाबत और सयादत व तहारत के सभी मोतरफ थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी खदमत खल और जयरीन हरम और बाशिंदगा ने मक्का की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दी थी ऐसे नेक और शरीफ इंसान की जिसे ताइद हासिल है अल्लाह उसे उसके नेक मकसद में खाइबो खासिर फरमाएगा ऐसा तस्वूर में भी मत लाओ लिहाजाए मेरे सहाबियों वापस आओ आगे बढ़ो साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए पूरी कुत के साथ कुफार पर हमला करके अपनी शुजात की धाक बिठा दो इनशाला कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी नाजरीन यहाँ जमनन इस बात की वजाहत कर देना भी मुनासिब समझता हूँ कि मैदान कारजार से भागने वालों में तमाम सहाबा शामिल नहीं थे बल्कि बहुत से सहाबा उस नाजुक सरासीमगी और अफरा तफरी के आलम में भी हजूर अलैहि वसलम के साथ हुजूर के दाएं बाएं हल्का बांधकर अपनी शुजात का मुजाहरा कर रहे थे जिनमें खसूसियत के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम हज़रत अली हज़रत इबन मसरूद और हजरत अब्बास रदील काबिल जिक्र हैं। हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में साहिब ज़ियान्नबी अल्लामा पीर करम शाह अजहरी ने मशहूर कुरान हजरत अल्लामा महमूद आलूसी रहमत के कुछ कलेमात नकल फरमाए हैं जिनको मैं अपने अल्फाज में पेश करना चाहूँगा आलूसी फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा पुरनूर चेहरा था आपके खद्दो खाल से ही खैर बरकत के आसार नुमाया होते थे बलफ्ज दीगर आपको मालूम हो जाता था जो भी देखने वाला होता वो समझ जाया करता था कि आप एक बुजुर्ग और बाबरकत हस्ती हैं आप अपनी औलाद को जुल्म और सरकशी से बाज रहने का दर्स देते थे और उन्हें अमदाखलाक इख्तियार करने पर उभारते थे और घटिया और गैर महजब कामों से उन्हें मना करते थे आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होती थी आपने अपने ऊपर शराब हराम कर रखी थी आप पहले शख़्स हैं जो हेरा की पहाड़ी में जाकर इबादत में मसरूफ़ रहते थे जैसे ही रमज़ान का चांद निकलता आप इबादत के लिए हेरा की पहाड़ी की जानिब रवाना हो जाते आप मसाकीन को खाना खिलाया करते थे आप अपने दस्तरखान से परिंदों और दरिंदों को भी महरूम नहीं करते थे उनके लिए पहाड़ की चोटियों पर रिज़ ले जाकर रख आया करते थे आपके जिस्म से खालिस मुश्क की खुशबू फूटा करती थी क्रैश पर जब कभी कहत की मुसीबत आती तो वह आपके वसीले से परवरदिगार आलम से बारिश की दुआ करते और अल्लाह तबारक वत आपकी बरकत से उन पर मौसलाधार बारिश बरसाता गर्जे के हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी उन खूबियों से जो अल्लाह ने उनको अता फरमाया था पूरी कौम में व मकबूल थे और न सिर्फ कुरैश बल्कि पूरे आलम अरब के लिए वजह नाज और बायस इफ्तिखार थे नाजरीन अब इन अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी असलामकम वरमतुल्ला देखोगे चमकना भूल जाओगे